अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। हमारा आज का वीलॉग, हम आपको बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा कुछ नहीं जानता, एंड नाल निशान लगे है इन वाइज दबा दो, लाइक भी कर दो, जजाकल्ला। अभी हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। A few moments later. हमारा आज का वीलॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम एक दोस्त के साथ एक दोस्त का वलीमा खाने के लिए जा रहे हैं, और आपको ये दिखाएंगे कि पठानों के अंदर वलीमे के अंदर खाना कैसे खाया जाता है और क्या तरीका कार होता है, आपको ये दिखाएंगे। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने दोस्त कबीरुल्ला के साथ, और ये सारे के सारे दोस्त यहाँ पर इंतज़ार में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, और कब जो उनका एक सिस्टम होता है कि पहले कौन बैठेगी, पहले कौन सी पलटून बैठेगी, यानी कि पहले खाने में कितने लोगों को बिठाया जाएगा, बाद में कितने लोगों को बिठाया जाएगा, ये सारे के सारे। और हमने ये कोशिश की है, देखें अब हमारी बारी आ गई, हम वहाँ बैठें जहाँ हमारी बारी जल्दी आ जाए। और यहाँ पर हमने ये जूते रखे और यहाँ पर हम गए हैं बैठ। और असल में यहाँ पर कुछ खाने का तरीकाकार कुछ इस तरह होता है कि आपने ज़मीन पर बैठना है, और ज़्यादातर इनकी मैनेजमेंट यही होती है कि ज़मीन पर बैठना। और ये देखें सारे लोग पांच पांच के ग्रुप में बैठे होंगे, इससे कम लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम सिर्फ चार बंदे बैठे थे और हम पाँचवा ढूँढ रहे थे कि कोई पाँचवा हमारे साथ आकर बैठे, लेकिन और दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि कोई आकर ना बैठे, क्योंकि हमारा जो गोश्त वगैरह है वो हमें कम ना पड़ जाए। मजाक कर रहा हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर होती है कि आप जितना मर्ज़ी खाएं। लेकिन अब हमारा खाना आ चुका है और बहुत ओए हो यार, ये जो राइस है जो बने हुए हैं ना पुलाव, ये बड़ा कमाल का और मेरा फेवरेट है। और इतना गोश्त, इतना ज़्यादा गोश्त है कि यहाँ पर आप गोश्त ही खाते रहेंगे। और ये देखें चावल जैसे ही ख़त्म होंगे फिर दोबारा एक बंदा खड़ा होगा जो हमें जो है वो चावल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और ये सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो दूसरे को सर्व करे। प्लेट के अंदर जब दोस्त खा रहे होते हैं तो हर बंदा दूसरे के सामने, ये देखें हमारे सामने इतनी ज़्यादा बोटियाँ अभी पड़ी हुई हैं, और इतना ज़्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर खाना है कि खाना कम नहीं होने वाला। आप लोगों ने खा के जो है ना वो रच जाना। ये देखें चावल अब हमें वक्तन फवक्तन जितने ज़रूरत होंगे वो हमें मिलते जाएंगे, और हम साथ साथ जितना हो सकेगा इसको खाते जाएंगे। और ये देखें जिस तरह ये दोस्त बोटियाँ उतार रहे हैं और ये हर किसी के ये डालते जाएंगे सामने कि इसको सारे खाएं। और इनका ये सिस्टम नहीं होगा कि मैं बोटी पकड़ लूं और मैं अपने हाथ में अपने पास ही रखूं, और इनका एंड जो होता है जी वो मीठे चावलों से ही होता है। मीठे चावल आपने खाने हैं और तब तक आपने खाना जब तक दुआ नहीं होती। जैसे दुआ हो गई उसके बाद खाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा और आप उसके बाद फिर मज़ीद नहीं खा सकेंगे। फिर आपने अल्लाह तवक्कल करना है। आपकी स्पीड, अगर आपने पठानों की शादी में जाना तो स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोश्त हमारा बचा हुआ था, ये देखें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गोश्त एक्सेस अमाउंट के अंदर था कि आपसे ख़त्म नहीं होगा। और जैसे ही आप खाना खाते हैं आखिर में ये मीठे चावल कुछ होते हैं, ये आपने मीठे चावल ये देखें बोटियों के साथ, ये पठान वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसको लाइक करते हैं, और ये गोश्त भी खा रहे हैं साथ में मीठे राइस भी खा रहे हैं। और उसके बाद आप उठते हैं सारे, और जैसे ही यहाँ से लोग उठना शुरू करेंगे और ये बड़ी तरतीब के अंदर जैसे ये बाहर निकलेंगे, पिछला सारा सामान लपेट लिया जाएगा और नए लोगों के लिए जगह साफ़ कर दी जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो बाहर बैठे हुए फिर दोबारा वो अंदर आकर बैठेंगे। और इस तरीके से जो है इनका सिस्टम चलता रहेगा, और बाहर के कुछ इनके बड़े बुज़ुर्ग खड़े होंगे जो आपको थैंक्स कहेंगे, और हमने उनको पश्तों के अंदर मुबारक शाह यानी कि हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपने बच्चे की शादी की, जो भी आपने मामला तय किया। अब सारे लोग जाएँगे उनको ये मुबारकबाद कहते हुए, और अब हम भी इसी लाइन के अंदर लग गए कि हम भी जनाब उनको ये देखें, तमाम दोस्त जो हैं वो इस तरह लाइन में जाते जाएंगे। और इनका आने का कोई तरीका कार नहीं, जैसे मर्ज़ी आप आते रहे, लेकिन जाने का यही देखें जो इनके बड़े होंगे वो ये देखें आपको सलाम करने के लिए। अब आपने इनको सलाम किया, ये देखें जी मैं भी सलाम कर रहा हूँ, सलाम किया, और उसके बाद हमने कहा जी मुबारक शाह, मुबारक शाह जी, मुबारक शाह, आपने इनको मुबारकबाद दी। और अब हम अपनी बाइक के पास चले हैं जी, और वापसी की तैयारी करते हैं। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया तो लाइक और फॉलो लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी किया करें, लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।